जिला बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। श्री नैना देवी जी बस अड्डे पर एक होटल में पंजाब पुलिस ने रेड की। इस रेड के दौरान एक युवक जिस पर पंजाब में 3 मामले दर्ज थे उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। हिमाचल में भी उसके खिलाफ 1 मामला चल रहा था। पंजाब पुलिस का वांछित अपराधी ने जब पुलिस को देखा तो उसने होटल की 5वीं मंजिल से खाई में छलांग लगा दी और युवक की उस कारण मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के लुधियाना के थाना बस्ती में मृतक जितेंद्र कुमार के खिलाफ 2 अटेम्प्ट टू मर्डर और 1 स्नैचिंग का मामला दर्ज था, जबकि 1 मामला हिमाचल के धर्मशाला में लड़की को भगाने का भी दर्ज था। जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो पंजाब पुलिस की एक टीम श्री नैना देवी जी पहुंची, जहां होटल में रेड करने पर युवक ने पहाड़ी से होटल से नीचे खाई में छलांग लगा दी। इस युवक के साथ एक लड़की भी थी और ये लड़की धर्मशाला की हिमाचल की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये जिस लड़की को भगाकर लेकर आया था उसके साथ नैना देवी में शादी करने वाला था। हालांकि जितेंद्र जिसकी आयु 29 वर्षीय है होशियारपुर का रहने वाला था और शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। मौके पर पहुंचे पंजाब पुलिस के आला अधिकारी SP लुधियाना लखवीर सिंह, DSP जोदेवाल और हिमाचल पुलिस की तरफ से जिला बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पूरी घटना का जायजा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले महीने दहेज उत्पीड़न से तंग आकर एक श्रद्धालु ने पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, जबकि कुछ महीने पहले ही पंजाब पुलिस के एनकाउंटर पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसका एक केस है इसके खिलाफ धर्मशाला में एक लड़की को भगाने का, पर पंजाब पुलिस ने 307 धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया था जिसकी उसमें तलाश थी। जैसा कि अभी तक की जांच में पता चला है, इसने वहां पे किसी लड़के को गोली मार के भागा था। इसको 4-5 गोलियां लगी हैं और उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी सिलसिले में पंजाब पुलिस आई थी और जिसको देखकर, क्योंकि सारे लोग यूनिफॉर्म में थे और ये प्रॉब्ली उस वक्त छत पे था जिसने वहां से एस्केप करने की कोशिश की, और शायद अंधेरे की वजह से, क्योंकि हाइट होटल की बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्ली ये अभी तक तो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि ये शायद ये नहीं पता लग पाया, गैस कर पाया कि नीचे गहराई कितनी है, और ऊपर से कूदने के कारण इसको काफी इंजरी आई और हॉस्पिटल आनंदपुर साहिब तक ले जाते इससे दम तोड़ गया।